हेलो एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू सैनी एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास 9। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हमें 3.75 को नंबर लाइन पे शो करना है। अब हमें पता है कि 3.765 नंबर लाइन पे 3 एंड 4 के बीच में आता है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम 3 और 4 के मिडल में 3.75 करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन हमने ड्रॉ की। अब इस नंबर लाइन पे हमें पता है यहाँ पे 0 होता है। हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए 0 से 1 पे और 1 से 2 के बीच में, इन सब के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे 4, ये हो जाएगा 5। 0 के लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर शो कर देंगे। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश एक्सिस। ये लिखना इतना जरूरी नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट मैग्निफिकेशन होगा जिसमें 3 और 4 को हमें रिप्रेजेंट करना है। सो हमें पता है 3.75 3 और 4 के बीच में आता है, सो इसको हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। इसके बाद अब हमें पता है 3 और 4 के मिडल में आता है, तो हम यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 4 तक एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने एक और नंबर लाइन ड्रॉ की जिसमें हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया 4 और इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने 3। 3 के बाद हमें पता है 3.1 आएगा, 3.2, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच में, आप मेजर कर लेना स्केल से, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9। 3.9 के बाद 4 आता है, सो अब देखो 3 एंड 4 के बाद 3.7 है, तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है 3.7, ये रहा 3.7। सो 3.7 6, अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 3.765। तो पहले हमने 3 को मेजर कर लिया कि 3.7 3 और 4 के बीच में आता है। अब हमें देखना है 3.7 कहाँ पर है और उसमें 765 कहाँ पे आएगा। सो ये 3.7 और 3.8 के मिडल में आएगा, तो इसमें हमने सर्कल कर लिया। सेम हम वैसे ही करेंगे मैग्निफिकेशन, ये 3.7 यहाँ पे आ जाएगा 3.8, यहाँ पे हम 3.8 की नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम 3.7 से स्टार्ट करेंगे उसी नंबर लाइन को। नंबर लाइन हमने ड्रॉ की। अब 3.7 के बाद हमारा नंबर आता है 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 एंड 3.79। अब 7.6 कहाँ पे आ रहा है, 7.6 हमारे यहाँ पे पॉइंट, और हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहिए, 7.65, एक नंबर आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब 3.76 एंड 3.77 की मिडल में होगा, तो हमने इसको सर्कल कर लिया और हम फिर एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाई, अब फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा 3.76 एंड लास्ट होगा हमारा 3.77। 3.76 के बाद हमारा नंबर आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 एंड 3.769। अब हमें नंबर क्या चाहिए, 3.765, तो 3.765 हमारा यहाँ पर आया नंबर, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे कि हमें फाइनल नंबर मिल गया है। तो ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 3.765। इसी तरीके से हम
बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं। अब ये जो हमने किया है, ये 3 और 4 को हमने हाईलाइट करके नंबर लाइन बनाया है, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, कि हमने मैग्निफिकेशन करके एग्जैक्ट पॉइंट पे हम पहुंचे। इसी सिचुएशन को अगर आप स्टेप्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन फॉर्म में आप लिख सकते हो। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।